हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वक्त कौन हो सकता है? आ रही हूं। मैं गौरव। कौन गौरव? मैम आपके लिए तोहफा, मतलब अनीता जी ने आपके लिए तोहफा भेजा है। कौन अनीता जी? ये बंगलो नंबर 3 ही है ना? हाँ, ये बंगलो नंबर 3 ही है। मैम एक्चुअली अनीता जी ने आपके लिए खास तोहफा भेजा है, तो आप प्लीज इसे ले लीजिए। अरे आप क्यों ऐसे पीछे पड़े हो मेरे? मैंने आपको बोला ना कि मैं अनीता को नहीं जानती, और ऐसे कैसे मैं किसी का भी तोहफा ले सकती हूँ? मुझे लगता है ना आपको कोई गलतफहमी हो रही है। प्लीज आप फिर से अपना एड्रेस चेक कर लीजिए। नहीं नहीं, प्लीज आप ये तोहफा ले लीजिए। अगर आप ये तोहफा नहीं लेगी तो अनीता जी मुझे इसके डिलीवरी के पैसे नहीं देंगी। तो मैं क्या करूँ उसमें? मैम अगर पैसे नहीं मिले तो मेरे बच्चे का ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। प्लीज आप मेरी विनती सुन लीजिए। अच्छा ठीक है, आप अंदर आ जाइए। क्या मुसीबत है, न जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। वैसे नाम क्या बताया था आपने अपना? गौरव। गौरव, देखो गौरव ऐसा है, ये गिफ्ट तुम ले आए हो ना, तो तुम इसे खुद ही खोलो। मैं? मैंने कहा ना इसे खोलो, मैं नहीं खोलने वाली इसे। यस मैम। और थोड़ा जल्दी। हाँ बारिश में कोई पटाखे जैसे फोड़ रहा है। ये तो पटाखों की आवाज नहीं लगती, ये कहीं गोली चली है। ये गोली तो कंधे को छू करके निकल गई। छू के निकली है मतलब निशाना चूक गया है। निशाना चूका है तो गोली यहीं कहीं होगी। बिल्कुल। क्या हुआ था यहाँ पे? जब आप यहाँ पे आए तो क्या देखा था? सर नियति मेरी पड़ोसन थी, वो मरती वक्त सिर्फ राक्षस राक्षस यही बोल रही थी। राक्षस? सर राक्षस, वो भी आज की तारीख में? आज की तारीख में कुछ भी हो सकता है फ्रेडी, राक्षस भी। सर, हाँ? सर ये फोन मिला है, अंदर चार्ज हो रहा था, शायद नियति का है। कॉल चेक करो। अच्छा, आप में से किसी ने नियति के साथ किसी को देखा था घर के अंदर या घर के बाहर? नहीं। अच्छा, नियति यहाँ पे अकेली रहती थी या फिर साथ कोई था उसके? वो यहाँ तो अकेली रहती थी सर,
लेकिन मैंने सुना था उसका भाई कभी कभार आता है उसका हाल चाल पूछने के लिए। उसके भाई का नंबर है किसी के पास? नहीं सर, फोन नंबर तो नहीं है, मैंने उसे कभी देखा तो नहीं, लेकिन नियति के मुंह से ही सुना था मैंने कि उसका एक भाई भी है। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं, और हाँ अगर जरूरत पड़ी तो फिर बुलाएंगे। जी सर। सर ये नंबर मिला है 1922900, भाई के नाम से सेव्ड है। 900 फोन ट्राई करो। सर ट्राई किया, स्विच ऑफ है। ये लीजिए सारों के साथ आपकी तीसरी गोली। बढ़िया है भाई साहब, आजकल आप मेरा भी काम करने लगे। अरे नहीं सर, मिल गई तो रख लिया। है नहीं ठीक है, सारे गाजी ले लीजिए। पूर्वी यहाँ बैठना जरा। ये नियति शायद यहाँ पे बैठी थी, यहाँ पे बैठ के एप्पल वगैरह काट रही थी। अचानक फोन इधर से आया, उसे देख के नियति खड़ी हो गई। हाथापाई हुई, ये सारा सामान यहाँ बिखर गया और फिर गोली चली। पुनी ने गोली तो चलाई लेकिन एक गोली चूक गई और दो सीधे यहाँ पेट पे लगे। पड़ोसी ने भी तीन गोलियों की आवाज सुनी थी। एक गोली जो थी वो वहां फोटो फ्रेम में अटकी हुई थी, इसका मतलब खूनी यहीं कहीं खड़ा था। खड़ा था नहीं भाई, खड़ी थी। खड़ी थी? ये क्या कह रहे हैं? मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये देखो ये लड़की के बाल। क्या सर, लड़की के बाल? लड़की के बाल तो ये नियति के भी हो सकते हैं ना। नौकरी छोड़ दूंगा अगर ये बाल नियति को हो। ये गोल्डन कलर के बाल है, नियति के ऐसे बाल नहीं है। सर सर, पीछे के दरवाजे पे लड़की के सैंडल का निशान मिला है, हील वाला। सुन लिया? समझा। इसका मतलब है खूनी पीछे के दरवाजे से भागी है और इसीलिए पड़ोसी ने उसे देखा नहीं। सर सर यहाँ पे कुछ है। ये तो लगता है अभी हाल में ही कटा है। सारों के साथ संभालिए इसे। कमाल है यार, लाश का पता नहीं है, अंगूठा पकड़ा रहे। तो बात नहीं, तारीखा रखो, लैब में चेक करेंगे। लेकिन ये अंगूठा यहाँ पे पहुंचा कैसे, और जिसका अंगूठा कटा है वो कहाँ है? ये अंगूठा उस राक्षस का तो नहीं? पानी दो क्या? हिचकी रोकी, मिट्टी मिली। पानी पी ले, इसमें भी कंजूसी। सर ये कागज का टुकड़ा जो हमें क्राइम सीन से मिला था वो एक्चुअली एक गिफ्ट रैपर है, शायद कोई तोहफा था। गिफ्ट रैपर? ये थी कि घर में हमें कोई गिफ्ट तो मिला ही नहीं। सर पड़ोसी बता रही थी कि नियति के घर का दरवाजा खुला हुआ था, हो सकता है कोई गिफ्ट देने के बहाने घर के अंदर घुसी, नियति का खून किया और गिफ्ट लेकर निकल गई। और एक बात, ये पेपर थोड़ा सा गीला भी है। गीला? गिफ्ट के अंदर कुछ ऐसा था जिसकी वजह से पेपर गीला हो गया। तो क्या क्या हो सकता है? बस बस ये अंगूठा कुछ बोल रहा है। क्या? ये देखो
हथियार साड़ूंगे, ये तो मिट्टी है। लाल मिट्टी अंगूठे में से मिली है। लाल मिट्टी तो अक्सर किसी अखाड़े में होती है या घर पे बगीचे वगैरह में। और देखो बॉस, क्या ये अंगूठे में ये चमड़ी के अंदर ये देखो, ये जो चिकना चिकना दिख रहा है ना, तेल है साउंड, ये तेल है, तेल अंगूठे की चमड़ी के नीचे तेल। यार कहीं है मालिश वालिश का तो चक्कर नहीं? बिल्कुल बॉस, जिस आदमी का ये अंगूठा है वो बरसों से अपने शरीर पर तेल मालिश कर रहा है, तभी तेल चमड़ी के अंदर तक पहुंच गया। अच्छा, लाल मिट्टी और तेल मालिश। सर ऐसा लगता है ये कटा हुआ अंगूठा किसी पहलवान का है, उसे कुश्ती का शौक है। शाबाश शाबाश, पटक उसको पटक, उसको कमर में हाथ डाल, शाबाश पटक शाबाश। अरे क्या कर रहा है तू, ठीक से पकड़ कमर में हाथ डाल उसके, शाबाश पकड़ उसको। हाँ मार पलटी दे उसको, ये हुई ना बात, शाबाश पलट उसको। तुम लोग प्रैक्टिस करो। आप लोग सीआईडी से हो, अखाड़ा चलाता हूँ, बॉडी देखकर पहचान जाता हूँ कि कौन आदमी क्या करता है। वादिया, पहली बार सीआईडी का ऐसा स्वागत हो रहा है। देखिए आपके यहाँ कोई ऐसा पहलवान है क्या जिसका हाल ही में अंगूठा कट गया? अंगूठा कट गया हो? जी जी नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कोई पहलवान नहीं है। हमारे शेरदिल पहलवानों को तो कोई छू भी नहीं सकता। आपके अखाड़े में जितने पहलवान हैं हम उनसे बात करना चाहते हैं। जी बिल्कुल कीजिए, लेकिन एक पहलवान है जो आज नहीं आया। अच्छा, कौन है वो? शमशेर, मेरे अखाड़े का सबसे अच्छा पहलवान। वो क्या हुआ कि कल कंपटीशन के दौरान वो बुरी तरह हार गया था, इसीलिए कहीं मुंह छुपा कर बैठा होगा। मोनिशा जी साहब, ये मोनिशा है। असल में हम लड़कियों के साथ एक अखाड़ा शुरू करने जा रहे हैं जिसकी देखरेख यही करेंगे। मोनिशा इनको बताओ कि कल शमशेर के साथ क्या हुआ था। जी सर। सर दरअसल कल कंपटीशन में शमशेर जब लड़ रहा था तो। शाबाश शमशेर, पटक पटक लगा, ए शाबाश, कमर में हाथ डाल, कमर में, अरे कमर में हाथ डाल, एक तेज दबाके, बढ़िया बहुत अच्छे, बहुत अच्छे शमशेर, हाँ पलट, अरे क्या बात है, शाबाश तुझे। शमशेर 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 क्या कर रहे हो? तेरा ध्यान कहाँ है शमशेर? शमशेर शमशेर कहाँ जा रहा तू? आज के विनर हैं तुम लोग यहाँ के। तो और कहाँ जाते, तुमने तो हमारे फोन ही उठाने बंद कर दिए। चलो यहाँ से, चलो। सर तब से ही वो यहाँ दिखाई नहीं दिया, लेकिन हाँ उसकी बाइक यही बाहर खड़ी हुई है। शमशेर के घर का पता मिल सकता है? जी हाँ सर, कॉटेज नंबर 4 मनीचंद रोड, और फोन नंबर है 1922900। 22900? 1922900, भाई के नाम से सेव। ये तो नियति के भाई का फोन नंबर है। इसका मतलब नियति का भाई ये शमशेर है। अच्छा, तो माँ वो जो व्हीलचेयर में आदमी आया था और वो औरत आई थी ना, उसका आप लोग जरा स्केच बनवा दें। जी हाँ बिल्कुल। रेडी, या देख लो यार। आइए। शमशेर कल से नहीं आया। सर हो सकता है कि शमशेर का अंगूठा टूट गया और वो हॉस्पिटल में। उर्वी शमशेर को फोन ट्राई करो। सर लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है यार, शमशेर का अंगूठा उसकी बहन नियति के घर में पहुंचा कैसे? शायद जब खून हुआ तभी ये शमशेर नियति के घर पर हो और खूनी ने इन दोनों भाई बहन को मार डाला। अगर मारा है तो उसकी बॉडी कहाँ है? सर फोन स्विच ऑफ है। कोई बात नहीं, घर चलते हैं उसके।
लगता है पहलवान गायब हो गया। हो सकता है घर लौटा ही ना हो। बाइक तो अभी भी अखाड़े में ही है। सर इतना खून, कहीं किसी ने शमशेर को मार तो नहीं दिया? वो मरा है कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन हमला उस पे यहीं पे हुआ है। खून का रंग देखकर लगता है कि कम से कम 12 घंटा पुराना है। तो यहाँ पे जो कुछ भी हुआ कल रात को हुआ होगा। हॉस्पिटल ले जाने के बजाय शमशेर की मरहम पट्टी यहीं पे हुई है। जितना खून पड़ा आसपास ऐसा लगता नहीं कि सिर्फ अंगूठा कटा है, कुछ और भी कटा है। ऐसे पहलवान को मारना आसान तो नहीं है। सर, सर यहाँ ही। ये व्हीलचेयर की टायर का निशान, लगता है वो व्हीलचेयर वाला आदमी यहाँ आया था। सैंडल्स के निशान। इसका मतलब ये औरत तो व्हीलचेयर वाला आदमी अखाड़े पे गए और शमशेर को लेके यहाँ पे आए। सर, सर ये व्हीलचेयर का निशान यहाँ दीवार पे भी है। दीवार पे व्हीलचेयर का निशान, लगता है इस पहलवान ने गुस्से में व्हीलचेयर वाले को धक्का दे दिया होगा और व्हीलचेयर जाके दीवार से टकराया। ऐसे तगड़े पहलवान को मारना आसान काम नहीं है। इस पहलवान को कोई अपाहिज इंसान या औरत मार तो नहीं सकते। हाँ, अगर पहलवान बेहोश हो तो मुमकिन है। लेकिन उसे बेहोश कैसे किया होगा? अरे यार, खाने में जहर दे दिया, कुछ इंजेक्शन वगैरह लगा दिया, बेहोश हो गया। आसपास चेक करते हैं, देखते हैं कुछ मिलता है क्या। खाने का सामान जलाने की कोशिश की गई है ताकि बेहोशी की दवाई का नामो निशान ना रहे। हैप्पी एंड, हैप्पी एंड टेस्टी रेस्टोरेंट तो नहीं? ए राजू, बंगलो नंबर 19 में पार्सल देख रहा, जल्दी दो बार फोन आ चुका उनका। आइए सर, ये टेबल खाली प्लीज। नहीं, हम यहाँ टेबल नहीं, चेयर ढूंढने आए। चेयर? व्हीलचेयर ढूंढने आए। व्हीलचेयर? इन्हें पहचानते हैं? हाँ सर, ये अनीता जी और ये विपुल जी, ये अपाहिज है। ये आपके यहाँ से खाना मंगवाते थे? हाँ सर, करीब करीब रोज का पार्सल होता था। कल रात भी कुछ मंगवाया था? कुछ नहीं साहब, बहुत सारा खाना मंगवाया था। मटन कबाब, चिकन चिली, चिकन तंदूरी, 30 रोटी, नान, आलू गोभी। बस बस बस। अरे सर यही नहीं, और भी बहुत कुछ। मुझे लगा शायद उनके घर पर कोई पार्टी वार्टी होगी। इतना सारा खाना आपने होम डिलीवरी करवाया था? नहीं साहब, वो अनिता जी खुद लेने आई थी। मैंने तो कितनी बार कहा कि मैं घर पर होम डिलीवरी करवा देता हूँ, पर वो नहीं मानी। सर मतलब अनिता और विपुल शमशेर के लिए यहीं से खाना लेकर गए थे। अनिता और विपुल का एड्रेस ले, एड्रेस है ना? अनिता जी, विपुल, विपुल, अनिता जी,
लगता है ये तोता और मैना दोनों गायब हो गए कहीं। जाएंगे कहाँ? किसी न किसी डाल पे बैठे ही होंगे। कौन हो तुम? अरे चोट कैसे लगी? सब सब मैं गौरव हूं। अब मुझे मुझे उस राक्षस ने मारा है। राक्षस? अनिता जी, विपुल जी, दरवाजा खोलिए। मुझे बताएं आप लोग अंदर हो, दरवाजा खोलिए। राक्षस यहां भी? और उसके हाथ में गिफ्ट बॉक्स था। हाँ सर, और उसी बॉक्स की वजह से मेरी ये हालत हुई। ये पहेलियां मत बुझाओ, सीधे मुद्दे पे आओ। मैं एक बच्चा है जो हॉस्पिटल में, उसके ऑपरेशन के लिए काफी पैसे चाहिए थे और मैं गरीब, इतने पैसे कहाँ से लाता? तभी मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि अनीता मैडम का काम कर लो, अच्छे पैसे मिलेंगे। बस मैं यहाँ आ गया। नमस्ते मैडम। नमस्ते, आइए। मैडम ये गौरव है, मैंने बताया था ना आपको, इसी को पैसों की जरूरत है। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, ये गिफ्ट बंगलो नंबर 3 में पहुंचाना होगा। जी मैडम, मैं पहुंचा दूंगा। लेकिन वो मैडम ये पूछ रहा है कि इस काम के से कितने पैसे मिलेंगे। मैडम मेरे बेटे का ऑपरेशन है और उसके लिए पैसे आज ही जमा करवाने हैं। ऑफ कोर्स पैसे मिलेंगे। ये लो 1,00,000 एडवांस। थैंक यू मैडम, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मेरी एक बात ध्यान से सुनो, ये पार्सल सिर्फ और सिर्फ नियति के हाथ में ही देना, ओके? हाँ मैडम, मैं उनके हाथ नहीं दूंगा। अगर मैम इसमें है क्या? अरे तुम घबराओ मत, इसमें ऐसी वैसी कोई चीज नहीं है, हम तो बस नियति को सरप्राइज देना चाहते हैं। मैं पार्सल लेके जाता हूँ, तब तक तू हॉस्पिटल में पैसे जमा करवा देना। हाँ करवा दूंगा, तू जा। थैंक यू मैडम। सर मुझे पता होता है कि इतने लफड़े वाला काम है तो मैं उस बॉक्स को कभी हाथ नहीं लगाता। नियति के घर में क्या हुआ? जब मैं नियति के घर में पहुंचा तो उसने मुझे बॉक्स खोलने को कहा। बॉक्स के अंदर? हाँ? तुम्हारे ऐसे हाथ क्यों कांप रहे हैं? बोलो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं घबरा गया सर, और जब मैं वहां से भागने वाला था तब रुक जाओ, शमशेर का हाथ मुझे दो। वहां वो राक्षस आ गए। वो हाथ दो, ए हट सामने से, मैंने कहा ना वो हाथ दो। दे। उसके बाद दूसरी गोली चली सर, फिर तीसरी गोली चली। ये सब देखकर वहां से बॉक्स लेकर मैं पीछे के रास्ते से भाग गया।
वहां से कहां गए तुम? वहां से मैं यहां आ गया अनिता जी से पूछने के लिए कि इस बॉक्स का क्या चक्कर है। अनिता जी, विपुल जी, अनिता जी। लेकिन अनिता जी घर पे नहीं थी तो मैं बॉक्स बाहर छोड़कर हॉस्पिटल चला गया। फिर यहाँ क्यों लौटे? क्योंकि मेरे दोस्त ने हॉस्पिटल में पैसे ही नहीं जमा करवाए थे, उसने मुझे धोखा दी और अपने बच्चे के लिए ईमान को मारकर मैं यहाँ आ गया ताकि अनिता जी से कुछ पैसे मिल जाए। तो जब तुम वापस लौटे तब अनिता जी और विपुल घर पे थे? सर, मुझे लगा कि शायद वो घर पे होंगे क्योंकि वो तोहफा दरवाजे पर नहीं था। सर, मैंने दरवाजा भी खटखटाया लेकिन किसी ने दरवाजा खोला नहीं। फिर मैं पीछे के दरवाजे की तरफ गया। विपुल जी, और मैंने उसका चेहरा देख लिया। आखिर उस हाथ में ऐसा है क्या जिसकी वजह से एक जान चली गई और एक हाथ कट गया? फिर वही कटा हुआ हाथ विपुल और अनिता ने नियति को भेज दिया तोहफे के तौर पे। अजीब है। अगर वो हाथ इतना कीमती है तो फिर वो चोर उस कटे हुए अंगूठे को भी ढूंढ रहा होगा। सर, उस राक्षस का स्केच। ये? सर, घर की अलमारियां पूरी तरह से खाली है, ना कपड़े हैं, ना और कुछ। सर, लगता है अनिता और विपुल शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर नजर रखो, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। सर, मैं चलूं? मुझे हॉस्पिटल जाना है। ठीक है, तुम हमारे साथ चलो, तुम्हारे बच्चे से भी मिल लेंगे हम लोग। हाँ बच्चे, हाँ ओके। चल के, एक जरूरी काम है। सब हो गया यार, तुम्हें मुझसे काम है? एक सांट के, मुझे बिल्कुल ऐसे के ऐसा अंगूठा बनाकर दे फिंगरप्रिंट्स के साथ। ये हाँ, ये नहीं हो सकता। क्या कहा तुम? नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता सर? उनके बॉस, ऐसा अंगूठा बनाने से पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि अंगूठा आपको क्यों चाहिए। नहीं, नहीं बता सकता मैं। नहीं बता सकता तो अंगूठा नहीं मिल सकता। ये अंगूठा केस के लिए बहुत जरूरी है सर। उनके मजाक है क्या? नकली अंगूठा बनाने में बहुत वक्त लगता है बॉस। अगर तुमने नहीं दिया ना अंगूठा तो मैं ये अंगूठा उठाकर नहीं जाऊंगा। नहीं, एक मिनट। ठीक है, आपको अंगूठा मिल जाएगा लेकिन पूरा एक दिन लगेगा। अभिजीत, अगले एक घंटे में तुम्हारे पास एक पार्सल आएगा। हाँ, मैं बता दूंगा कहाँ भेजना है। ओके, एक घंटे में? धोखा दे रही थी। ये पैसे मेरे हैं और मैं तुम्हें इन्हें यहाँ से ले जाने दूँ। बकवास बंद कर अपनी। तेरे साथ के आज जुर्म के दलदल में फंसी हुई हूँ मैं और तू कह रहा है ये पैसे तेरे हैं? ये पैसे तेरे नहीं, मेरे, और मैं इसे यहाँ से लेकर जाऊंगी। क्यों किया तुमने ऐसा? ओफो, ये भी बताना पड़ेगा। याद है उस रात जब तू जख्मी हालत में अपने घर में तड़प रहा था, क्या कहा था तूने मुझसे? जा, जाकर अनीता और विपुल से मेरा हाथ ले ले।
अब क्योंकि मैं तेरे हाथ की कीमत जानती हूँ, बस मैंने उन लोगों का पीछा किया और ये हाथ लिया है। और आज जब ये हाथ मैं लेकर आई हूँ तो तू कह रहा है ये पैसे तेरे हैं? हाँ शमशेर, तेरे इस हाथ के साथ साथ ना तो ये पैसे भी खो चुका है। ये पैसे मेरे हैं, सिर्फ मेरे। चल अब 10 कदम दूर जाके खड़ा हो जा। समझ में नहीं आ रहा तेरे? हाँ अगली गोली दीवार पर नहीं तेरी छाती पे मारूंगी। चल चल बिल्लानी, चल 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 बिल्लानी वहां से। दिया मुझे। गुड इवनिंग राक्षस जी, हम लोग सीआईडी से हैं। कहां? सब मैंने कुछ नहीं किया। हाँ हाँ, किसी ने कुछ नहीं किया। क्यों मनीषा, पैसे गायब कैसे हुए? सर मुझे नहीं पता कि पैसे कहाँ गए, लेकिन आप लोगों को कैसे पता कि मैं यहाँ? कारों से पता चला, उसने तुम्हारा स्केच बनवा दिया। बस फिर हमने तुम्हारा पीछा करना शुरू कर दिया। उस राक्षस का स्केच हमने ही भेजा था, ये डुप्लीकेट अंगूठा जिसमें इस शमशेर के फिंगरप्रिंट्स थे। अब जरा बाकी की कहानी सुनाने की तकलीफ करेंगी? ये बताओ कि नियति के घर में क्या हुआ था? सर जब मैं अनीता और विपुल के घर पहुंची तो ऑलरेडी शमशेर की हाथ की पैकिंग चल रही थी और उसके पैकेज की डिलीवरी के लिए गौरव को भेजा जा रहा था। मैंने गौरव का पीछा किया, लेकिन जब मैं नियति के घर पहुंची तो मेरी नियति के साथ हाथापाई हो गई। सर जैसे ही मुझे होश आया तो मैंने देखा कि हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? कौन कहे? और गिफ्ट भी गायब है। मैं डर के मारे वहां से भाग निकली और गौरव को ढूंढने में लग गई। बाई चांस मुझे अनीता के घर के बाहर वो गिफ्ट मिल गया, लेकिन मेरी बुरी किस्मत गौरव वहां भी आ पहुंचा। ये लड़की बोल कुछ और रही है, हुआ कुछ और होगा। हेलो, हाँ पंकज, क्या गुड सर, विपुल और अनीता एयरपोर्ट के बाहर पकड़े गए। आइए आइए आइए, पधारिए। पूर्वी देखो जरा बैंक में कितने पैसे हैं। अनिता जी, बस सिर्फ इतने ही पैसे? रेडी, जरा विपुल को चेक करो। विपुल जी आप जरा खड़े हो जाइए,
मैं? हाँ। मैं कैसे? रेडी, ये क्या कर रहे हो? बेचारा अपाहिज है, दाएं पैर में पैरालिसिस है उसे। जी हाँ सर। दाहिना पैर? सर एयरपोर्ट में इसने बाया बोला था। बोल जी, दाया है या बाया? दाहिना, दाहिना। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कई साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मेरा दाहिना पैर पैरालाइज हो गया। सर अभी पता चल जाएगा कि सच क्या है। अगर वाकई तुम्हारे पैर पैरालाइज्ड है तो इस कटर का बार पता नहीं चलेगा। कौन सा पैर बोला था? दाहिना सर। दाया, पूरा यकीन है दाया पैर? सर सर नहीं, सर मैंने कुछ नहीं किया सर, सर गलती हो गई सर। फंस गए ना विपुल अपने झूठ में। हमें तो पता भी नहीं था कि तुम कौन से पैर में इंजर्ड हो, दाएं या बाएं। अब तो पता चल गया कि तुम अपाहिज नहीं हो। हमें शक था पहले से ही एयरपोर्ट पर। चलो खड़े हो जाओ, चल आइए। पैसे तुम्हारे नहीं है, समझे? अब बताओ सबको, कहां से आ गया ये सारा पैसा तुम्हारे पास? दरअसल मैं, अनीता और विपुल जाली चीट फंड का धंधा करते थे सर। सर हम लोगों को उन्हीं के पैसों के लिए सर झूठ बोलते थे। जब उनका पैसा हमें मिल जाता था सर तो हम उन्हें ठग लेते थे और सारा का सारा पैसा हम उस लॉकर में रख देते थे जिसका हिसाब बेचारी मेरी बहन नियति रखती थी। कोई बेचारी नहीं थी वो, हमेशा हिसाब में घपला करती थी। और इसी घपले की वजह से तुम दोनों में लड़ाई हो गई है ना? सर हमें तो सिर्फ हमारे पैसे चाहिए थे, इसलिए हमने शमशेर को पहले बेहोश किया, फिर उसका हाथ काट दिया लॉकर के पासवर्ड के लिए। और वहां से पैसे चुराने के बाद हमने गौरव की मजबूरी का फायदा उठाया और उसके जरिए नियति को हाथ तोहफे में भेज दिया। क्यों? ये जताने के लिए कि जो हमसे टकराएगा उसका हश्र यही होगा। इन पैसों के चक्कर में एक जान चली गई और शमशेर तुम्हारा हाथ कट गया। ये बताओ कि नियति का खून किसने किया? तुमने? मुनीषा? क्योंकि गोली तो तुम्हारी बंदूक से चली थी और तुम्हारी और नियति के बीच में हाथापाई हुई। तुम अलमारी से टकराई और बेहोश हो गई। नहीं, खून तुमने नहीं किया है। तो फिर खून किसने किया है? तुमने या तुमने या फिर तुमने या फिर तुम दोनों ने? मनीषा तुमने खून नहीं किया क्योंकि तुम्हारे सिर पर एक बार नहीं दो बार चोट लगी थी। एक बार अलमारी से टकराने से और दूसरी बार तुम्हारे सिर पे किसी ने वार किया था। तुमने बताया था ना कि हाथापाई की वजह से टेबल पे सारी चीजें गिर गई, तो फिर वहां पे किसी ने मोमबत्ती का स्टैंड कैसे रखा? उस पर जो फिंगरप्रिंट्स थे उठा लिए और पता चल गया कि खूनी कौन है। ये खून तुमने किया है।
जब मुझे पता चला कि नियति शमशेर की बहन है तो मैं अपने आप से बाहर हो गया, क्योंकि शमशेर की चाली चिट फंड की वजह से ही मेरे सारे पैसे बर्बाद हो गए थे सर। मेरे बच्चे की ये हालत हो गई थी, इसलिए मैंने नियति का खून कर दिया। नियति को मार कर क्या मिला तुम्हें? तुमने तो अपने ही बच्चे को अनाथ बना दिया। मेरा बच्चा, उसका ख्याल रखना सर, प्लीज। ठीक है, हम उसकी देखभाल करेंगे। अब तुम सब सबके सब जेल की सलाखों के पीछे पैसे गिनते बैठना अपने ख्यालों में। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.